एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव में होने वाली धांधली को रोकने में लगे हैं, इसके लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ तहसील के निर्वाचन कर्मचारी इसमें पलीता लगाने में लगे हैं। मामला ग्राम सभा मंझौस खुर्द का है, जहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के बीएलओ ने प्रधान प्रत्याशियों से पैसा लेकर तकरीबन 96 जिंदा ग्रामीणों का वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया और जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है उनका नाम फिर वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं किया जा रहा। बीएलओ पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा गया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सभी ग्रामीण आने वाले ग्राम सभा का चुनाव जो होने वाला है उसका बहिष्कार करेंगे। तहसील में आए हैं हम लोग, आज RDM महोदय को ज्ञापन दिए जो कि बीएलओ द्वारा पैसा लेकर जिंदे लोगों को मुर्दा कर दिया गया है और मुर्दे लोगों को जिंदा कर दिया गया है। ये बीएलओ द्वारा और राजनीतिक दबाव में पैसा लेकर सभी लोगों का नाम कटा जा रहा है और जहां नाम चढ़ भी रहा है वहां भी पैसा लेकर एक नाम पर 100 रुपया लेकर लोगों का नाम काटा जा रहा है और चढ़ाया जा रहा है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग चुनाव को बहिष्कार करेंगे और इससे भी आगे जाने के लिए बाध्य। जिंदा आदमी को मुर्दा कर दिया गया है और मुर्दे आदमी को जिंदा कर दिया गया है। अगर ये नाम हम लोगों को मतदाता सूची में अगर नहीं चढ़ा